हे गाइस, रॉबर्ट के थे दो पिता। एक थे उसके खुद के और दूसरे थे उसके दोस्त के। वो दोनों ही उसको तरह तरह की एडवाइस देते थे, पर बात जब पैसों के बारे में आती थी तो वो दोनों की ओपिनियन थी एकदम अलग। एक बोलते थे, स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ो लिखो और अच्छे ग्रेड लेके आओ, जिससे कि एक अच्छी नौकरी मिले। दूसरे, मतलब उनके फ्रेंड के डैड, बोलते थे, अच्छे से पढ़ो, खुद की क्वालिटी बढ़ाओ, जिससे कि तुम हज़ारों को नौकरी दे सको। एक थे ग्रेजुएट तो दूसरे सिर्फ 8वीं क्लास भी पास नहीं थे। एक बोलते थे, रिस्क लेना नहीं चाहिए, पैसे को सेव करना सीखो, तो दूसरे बोलते थे, पैसों से काम करवाना सीखो और उसे बढ़ाना सीखो। एक बोलते थे कि वो गरीब है इसलिए उसको महंगी चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरे बोलते थे, महंगी चीज़ों के बारे में सोचो और वो पाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढो। रॉबर्ट की उम्र जब सिर्फ 9 साल की थी, तब उस उम्र में उसने दोनों पिताओं की सोच और राय को देखा और तय किया कि वो दूसरे पिता, मतलब कि उनके फ्रेंड के डैड की बात सुनेंगे, जो कि बाद में हवाई के सबसे अमीर आदमी बने। लेकिन दूसरी तरफ उसके खुद के डैड, जो कि एक अच्छी सी सरकारी नौकरी होने के बावजूद पूरी लाइफ पैसों के प्रॉब्लम में फंसते ही गए। इसीलिए रिच होने के लिए रिच डैड के दिए हुए 5 लेसन्स हैं जो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 1, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके गरीब होने की असली वजह है कम पैसा कमाई करना, प्रमोशन न होना, सैलरी न बढ़ाना, गवर्नमेंट को बोनस कम देना, उनका गरीब माँ बाप, और आखिर में वो अपनी किस्मत को कोसते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड के राय में रिच होने की पहली शर्त यह है कि खुद के प्रॉब्लम्स के लिए किसी को दोष न देकर कि अपने काम के बारे में सोचना। अगर आप किसी और को दोष देते हो तो इसमें तो आपको कुछ करना है ही नहीं। चाहो तो बैठे रहो या वेट करो कि कब आपका बॉस या फिर गवर्नमेंट ठीक हो और आपकी सैलरी बढ़ा दे। नहीं तो किसी को दोष न दे करके खुद को सोचने दे कि कैसे और इनकम किया जाए, और वो भी नए नए तरीकों से। लेसन नंबर 2, डोंट थिंक हाउ टू वर्क फॉर मनी, थिंक हाउ मनी कैन वर्क फॉर यू। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके गरीब होने का मेन कारण है कम इनकम करना, और ज़्यादा इनकम करने के लिए वो और हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन हर वक्त ज़्यादा पैसा प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। रिच डैड का इस बारे में एक फेमस कोट है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज़्यादा इनकम करते हो, लेकिन उससे फर्क पड़ता है कितना तुम रख पा रहे हो। लेसन नंबर 3, फाइंड डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज। ज़्यादातर गरीब लोगों में असेट्स और लायबिलिटीज़ की गलत पहचान है। शायद आप सोचते हो आपका मोबाइल, बाइक, साइकिल या फिर आपका घर आपका असेट्स है। वैसे भी आप अगर और गरीब होना चाहते हो तो ये सही है, लेकिन अगर आप रिच होना चाहते हो तो इससे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। रिच होने के लिए रिच डैड यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका एसेट्स सिर्फ वही है जो आपकी पॉकेट में पैसे लेकर आए, और लायबिलिटीज़ वो है जो आपके पॉकेट में से पैसे ले ले। आपकी तरह मैं भी यह बुक पढ़ने से पहले तक मेरा घर, मोबाइल, गाड़ी और यहाँ तक कि मैं अपने फर्नीचर तक को भी अपना एसेट समझता था। इस बुक से सीखने के बाद देखा कि इनमें से कोई भी मेरा एसेट्स नहीं है, तब तक जब तक कि मुझे पैसे बना के न दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर सिर्फ तभी मेरा एसेट्स होगा जब इसको रेंट पर देकर मैं इनकम कर सकूं, नहीं तो कभी नहीं। लेसन नंबर 4, क्रिएट एसेट्स। रिच होने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाना। आपने शायद देखा होगा कि गरीब लोग और गरीब होते हैं और रिच लोग रिच होते ही जाते हैं। इसका कारण क्या है? बिकॉज गरीब लोग हर वक्त लायबिलिटीज़ बढ़ाते हैं जो वो सोचते हैं कि जिनका वो एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू कपल के पास खुद का घर नहीं है। एक दिन वो दोनों रॉबर्ट के पास आते हैं रॉबर्ट के रिच होने का सीक्रेट जानने के लिए। रॉबर्ट उनको ये सब उन दोनों को समझाता है, लेकिन वो दोनों इस बात में बिलीव नहीं करते और चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत ही हार्डवर्क करके आखिरकार अपना ड्रीम हाउस बना लेते हैं, और उसके साथ और भी न्यू फर्नीचर खरीद के पूरा घर ऑलमोस्ट भर देते हैं। लेकिन उनका मनी प्रॉब्लम कम होने की बजाय बहुत ही बढ़ जाता है, और हर वक्त वो डर डर के रहते हैं कि कहीं उनकी नौकरी न चल जाए। बिकॉज खुद का घर बनाने के लिए वो बैंक से बहुत बड़ा लोन लिए होते हैं, और तो और वो ख़त्म हुआ कि नहीं उसके पहले ही नए नए फर्नीचर लेके और लायबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे उनका मनी प्रॉब्लम कभी नहीं मिटती
और बाद में जब वो बेबी लेने के बारे में सोचते हैं तो उनका नौकरी खोने का डर और दुगना हो जाता है। और जब बेबी आता है तो बेबी आने के बाद वो दोनों और हार्डवर्क करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कभी भी बड़ा गाड़ी या घर ना खरीदने के बारे में नहीं बोल रहे, सिर्फ यह समझा रहे हैं कि इनकम बढ़ाओ जिससे आप ये सब ले सको। नौकरी रहने दो, साथ ही साथ एसेट्स बाय करो और लायबिलिटीज जितनी हो सके उतनी कम क्रिएट करो। इसलिए रिच डैड हर वक्त बोलते हैं कि रिच पीपल बाय एसेट्स बट पुअर एंड मिडिल क्लास बाय ओनली लायबिलिटीज विच दे थिंक आर एसेट्स। जो लोग अनयूजफुल या दूसरों को दिखाने के लिए चीज़ें खरीदते हैं उन लोगों का मनी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता, बिकॉज उनका ज़्यादातर पैसा उन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है जो उनके पॉकेट में से पैसों को ले लेता है। दूसरी तरफ रिच लोग ज़्यादातर पैसा डालते हैं एसेट्स खरीदने में एंड उनके एसेट्स की मात्रा बढ़ने के साथ ही साथ उनका इनकम बढ़ता ही जाता है। उसके बाद और एसेट्स बढ़ता है जिससे कि और इनकम बढ़े और इसी तरह समय के साथ साथ वो और रिच होने रहते हैं। लेसन नंबर 5, नो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जहाँ पर पैसे कमाने के लिए आपको खुद का होना जरूरी होता। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एस जे साहब का एक दुकान है जो वो खुद चलाते हैं। पैसिव इनकम वो होता है जहाँ पर आपका होना जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी हो सकते हो, आपका इनकम होता ही रहेगा। पहले वाले एग्जाम्पल को ही देखते हैं। एस जे साहब का दुकान उन्होंने मिस्टर एक्स वाई जेड को रेंट पे दे दिया जिससे कि जहाँ पर उनको रहना भी ना पड़े, इनकम भी होता रहेगा और उनका एसेट्स भी क्रिएट हो गया। ये सभी प्रिंसिपल्स मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे हुए रिच डैड पुअर डैड बुक से सीखे हैं। इस बुक के बाकी यूजफुल प्रिंसिपल्स अगर आप सीखना चाहते हो और रिच बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप रिच डैड पुअर डैड बुक खरीद सकते हो। एंड एट लास्ट, अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि मैं जब भी कोई नया इफेक्टिव वीडियो शेयर करूंगा तभी आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और हाँ, शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो आप ही की तरह कुछ नया यूजफुल नॉलेज सीखना चाहते हैं और सपोर्ट करें इस चैनल को जिससे कि मैं आपकी और मेरी लाइफ। तो दोस्तों, हमने आज जो भी स्टूडियो से सीखा वो थोड़ा सा और शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो घुमा फिरा के ये बुक हमें बताती है कैश फ्लो के बारे में। अगर हम पुअर लोगों का कैश फ्लो देखें तो कुछ इस तरह का होता है। जैसे ही उनकी सैलरी होती है वो उनके सारे पैसे उनके एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। वो कभी उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते जो चीज़ें उन्हें लॉन्ग टर्म में और भी पैसे बना कर दे। अब आते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। जैसे ही उनको उनका पेचेक मिलता है वो पहले उनकी इनकम उनके एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं एंड एक्सपेंसेस के बाद भी जो पैसे बचते हैं वो ज़्यादातर उनकी लाइबिलिटीज में खर्च हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है उनकी लाइबिलिटीज और भी बढ़ती जाती है, जैसे कि कोई नई कार, कोई महंगा फ़ोन खरीदना जिसकी मंथली ईएमआई एंड फ्यूल एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे ही पॉकेट से पैसे चल जाते हैं। मिडिल क्लास लोगों के पैसे पहले एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज पे खर्च हो जाने के बाद जो भी कुछ कम पैसे बचते हैं उससे वो उनके थोड़े बहुत एसेट्स बना भी लेते हैं, जैसे कि बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट या फिर रिटायरमेंट सेविंग्स। लेकिन कुछ भी करो, इनके एसेट्स इनकी लाइबिलिटीज से बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वो हमेशा या तो मिडिल क्लास रह जाते हैं या फिर और गरीब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रिच पीपल की बात करते हैं तो रिच लोगों का कैश फ्लो देखें तो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ही उनको उनका कोई पेचेक रिसीव होता है वो सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं एंड अपने एसेट्स बनाने में पैसे खर्च कर देते हैं, जैसे कि कोई नया बॉन्ड या फिर कोई नया लैंड परचेस करने और किसी बिजनेस में या फिर जो पुराना उनका बिजनेस है उसी में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर देने का। यानी कि उससे होता क्या है कि उन्हें लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है एंड उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उससे वो अपनी लाइबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। इन लोगों की लाइबिलिटीज हमेशा एसेट से बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, कहने की बात यही है कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो हो जितना हो सके उतना आपके एसेट्स बढ़ाए, ना कि लायबिलिटीज। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। और भी आपको किसी बुक की समरी चाहिए तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।